जनरल इंटरेस्ट टू सबॉर्डिनेट इंटरेस्ट तक के प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, अब अपन उसके बाद वाले प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 7, सेवेंथ प्रिंसिपल हमको हेनरी फ्योल ने दिया है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। हेनरी फ्योल का ये मानना है कि हमारे बिजनेस में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उन सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, तो जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी हो उसको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए और जिसकी कम एफिशिएंसी हो उसको आइडियल वेजेस मिलना चाहिए। आइडियल वेजेस उसको बोला जाता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी अच्छे से फुलफिल कर सके और उसके बाद भी उसके पास जो है कुछ ना कुछ सेविंग्स बच जाए, तो उसको अपन बोलते हैं आइडियल वेजेस। तो रेम्यूनरेशन और सैलरी, रेम्यूनरेशन मींस remuneration, salary or wages to employee of a company should be ideal payment of wages makes a stronger relationship between owner and employees. All employees are not work with same efficiency. There are some efficient employees who are giving more production and doing more work. So they should be compensated against their efficiency. जो ज्यादा efforts put करते हैं, ज्यादा hard work करते हैं और जिनकी working capability ज्यादा है, अच्छी efficiency से हमारे business को सक्सेस दिलाते हैं, उन वर्कर्स को नॉर्मल वर्कर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रेम्यूनरेशन, ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, बाय डूइंग दिस वर्कर टर्नओवर रेट डिक्रीज। अब वर्कर टर्नओवर क्या होता है, एक साल में, वन ईयर में जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे यूनिट से जॉब छोड़ के चले जाते हैं उतने नंबर ऑफ वर्कर्स को बोला जाता है वर्क टर्नओवर। तो टर्नओवर रेट जितना कम होगा उतना बिजनेस के लिए फायदा होगा। हमारे पास जितने ज्यादा स्टेबल वर्कर होंगे, जितने लॉन्ग टर्म से काम करने वाले पुराने इंप्लॉइज टिके हुए रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, उतना हमारे बिजनेस के लिए फायदा होगा। और ये कब पॉसिबल है, जब हम उनको उनकी कैपेबिलिटी और उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन सैलरी में इंक्रीमेंट टाइम टू टाइम देते रहे और साथ साथ में उनकी एफिशिएंसी को एप्रिसिएशन मिलता रहे। इसके बाद प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा अथॉरिटी, पूरा पावर जो है किसी एक ही टॉप अथॉरिटी के पास हो। जब पूरी की पूरी अथॉरिटी खाली एक टॉप ऑथोराइज्ड पर्सन के पास होती है उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। पर सेंट्रलाइजेशन कभी भी लार्ज बिजनेस यूनिट में यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि लार्ज बिजनेस यूनिट में नंबर ऑफ एक्टिविटीज बहुत सारी होती है और अकेला एक मैनेजर उन सब एक्टिविटीज को हैंडल नहीं कर पाता, तो वहां से एक से ज्यादा मैनेजर रखने पड़ते हैं और उन एक से ज्यादा मैनेजर्स को अलग अलग हमको अथॉरिटीज डिवाइड करनी पड़ती है। इसीलिए लार्ज स्केल बिजनेस में कभी भी सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। सेंट्रलाइजेशन कहाँ पे पॉसिबल होगा, जहां बिजनेस यूनिट स्मॉल होगा और जहां पे एक ओनर जो है इजीली सारे एक्टिविटीज को मैनेज कर पाएगा। लेकिन मैक्सिमम बिजनेस यूनिट्स में सिचुएशन के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहां जरूरत होती है वहां सेंट्रलाइजेशन भी रखा जाता है और जहां जरूरत होती है वहां डिसेंट्रलाइजेशन भी यूज किया जाता है। सो द फुल अथॉरिटी इज इन वन हैंड ओनली, एक ही हाथ में सारी अथॉरिटी हो। इफ पावर्स आर नॉट डेलीगेटेड, पावर्स और पोजिशन को नॉट डेलीगेटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज डन एज पर द साइज ऑफ यूनिट। अगर बिग बिजनेस है, लार्ज बिजनेस यूनिट है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज यूजफुल। इफ द बिजनेस इज स्मॉल स्केल बिजनेस देन सेंट्रलाइजेशन इज यूजफुल। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल हमको मिलता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक जितने भी अथॉरिटीज हैं और जितने भी इंप्लॉइज और वर्कर्स हैं वो सब के सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्केलर चेन। ये चेन कभी भी ब्रोकिंग नहीं होनी चाहिए। क्रिएटिंग चेन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल इंप्लॉइज, चेन ऑफ पावर फ्रॉम हायर ऑफिसर टू बॉटम लेवल इंप्लॉइज शुड नॉट बी ब्रोकन। इंप्लॉइज वर्किंग इन अ यूनिट अवेयर ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम। वर्कर जितने भी हमारे पास काम कर रहे हैं, हर एक वर्कर के माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि वो अपने कौन से सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे यहाँ पे ये तीन वर्कर हैं, इन तीनों वर्कर्स को पता है कि इनको किसके पास आंसर देना पड़ेगा, इस चौथे पर्सन के पास आंसर देना पड़ेगा, ये इनसे आंसर मांग रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं स्केलर चेन। इस पर्सन ने अपने सारे ऑर्डर जो है किसको दिए, इन तीन वर्कर को दिए, इन तीन वर्कर ने एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रखी, एक दूसरे के साथ मिलके एज अ चेन इन्होंने ये टारगेट कंप्लीट किया और फिर इसका आंसर ये लोग किसको दे रहे हैं, इस फोर्थ पर्सन को दे रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं स्केलर चेन।
स्केलर चेन के बाद अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है सीरियल वाइज, मतलब जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं अरेंजमेंट, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे अपन को दो ऑर्डर ध्यान रखने हैं, एक पर्सनल ऑर्डर और दूसरा सोशल ऑर्डर। पर्सनल ऑर्डर में हमारे इंप्लॉयज और वर्कर्स आते हैं, सोशल ऑर्डर में हमारा रॉ मटेरियल आता है। सो रॉ मटेरियल अरेंजमेंट एंड सोशल अरेंजमेंट, देखो क्या लिखा है, रॉ मटेरियल अरेंजमेंट एंड सोशल अरेंजमेंट, मतलब मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। ईच पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एट इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस, जितना भी हमारा मटेरियल है रॉ मटेरियल, वो हर एक मटेरियल अपने प्लेस पे होना चाहिए। अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सुटेबल एम्प्लॉय इन सुटेबल प्लेस। और दूसरा अरेंजमेंट किसका होना चाहिए, पर्सोनल का, सोशल मतलब हमारे एम्प्लॉयज का, जो एम्प्लॉय जिस काम के कैपेबल है उस एम्प्लॉय को उस सुटेबल प्लेस पे रिक्रूटमेंट मिलना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे पिक्चर में हम देख सकते हैं जितने भी मटेरियल है और मटेरियल के साथ साथ में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हर एक वर्कर, देखो यहाँ पे हर एक वर्कर जो है अपने अपने डिपार्टमेंट में खड़ा है और उसके डिपार्टमेंट में उसका सारा मटेरियल रखा हुआ है। यहाँ बाहर की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ जो वर्कर्स हैं ये अपने कस्टमर्स को अटेंड कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन मशीन मटेरियल एटसेट्रा। So there should be a specific place for every employee in an organization. पूरे organization में material के लिए भी specific place होना चाहिए, साथ साथ में जो worker है उसके लिए भी specific place होना चाहिए। फिर आता है equality. Equality में सबसे main आता है manager का behavior. Manager का behavior अपने सारे subordinate के साथ, अपने workers और employees के साथ equal होना चाहिए, uniform होना चाहिए। कैसे कि भाई कोई पहचान वाला है तो उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज किया जाए, और किसी के साथ में हमारे जो है रिलेशंस थोड़े सही नहीं है तो उसके बिना गलती के भी हम उसको पनिश करें, तो इस तरीके का काम, इनजस्टिस वाला काम नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सो सुपीरियर शुड बिहेव एप्रोप्रिएटली एंड यूनिफॉर्मली व्हाइल टेकिंग वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय। एफर्ट शुड बी मेड टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन यूनिट बाय इनफॉर्मल वे इंस्टेड ऑफ लीगल और ट्रेडिशनल वे। So behavior of employees based on faithfulness, attitude, uniformity and justice. Employees का behavior भी अपने superior के साथ कैसा होता है, पहले वो देखते हैं कि हमारा superior partial है कि impartial है, वो सही रास्ते पे है कि गलत रास्ते पे, उसके बेस पे ही worker भी अपने manager के साथ behave करते हैं। इसको अपन बोल behavior जो है वो किस में आएगा, principle of equality में। फिर आता है stability of tenure। Tenure मतलब हमारे employees, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा हमारे एम्प्लॉयज, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल से हमारे एम्प्लॉय अगर हमारे यूनिट में ही काम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बहुत फेवरेबल चीज है। अगर बार बार हमारे एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो हमको नए एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, नए एम्प्लॉय को काम सिखाने के लिए ट्रेनिंग रखनी पड़ेगी, और नए नए में उससे मिस्टेक्स होगी तो वेस्टेज भी होगा और हमको लॉस होगा। तो इसीलिए हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज हमारे पास होने चाहिए। तो परमानेंट एंड स्टेबल एम्प्लॉयज आर एसेट ऑफ बिजनेस। एज द एम्प्लॉय रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम इज नॉलेज ऑफ सिस्टम रिजल्ट इनटू मोर प्रोडक्टिविटी एंड आल्सो डिक्रीज द लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर जितने नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास से जॉब छोड़ के जा रहे हैं उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट। ये लेबर टर्नओवर रेट जितना डिक्रीज होगा उतना हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल होगा। फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा फ्रीडम देना कि वो अपनी मर्जी से कोई नया मेथड कर सके, कोई नई टेक्निक को यूज कर सके। वो कई बार जब वर्कर को फ्रीडम मिलता है तो कुछ उसके न्यू मेथड और न्यू आइडियाज होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। सो देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ इनिशिएशन इन एम्प्लॉयज। इंडस्ट्रियलिस्ट शुड प्रोवाइड सच एटमोस्फियर दैट इनिशिएशन मे बी इनकरेज ड्यू टू इनिशिएशन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग इन एन एम्प्लॉय डेवलप एंड इंक्रीज देयर लीडरशिप क्वालिटी। तो एम्प्लॉय को हमको फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कोई न्यू मेथड भी यूज कर सके। लास्ट हमारा प्रिंसिपल आता है स्पिरिट डी क्रॉप्स, मतलब फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी, ग्रुपिज्म। हमारे एम्प्लॉयज में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सबके अंदर एक ही फीलिंग होनी चाहिए कि हम लोग अपने कॉर्पोरेट के लिए, अपने बिजनेस यूनिट के लिए काम कर रहे हैं। तो मैनेजर शुड जनरेट ग्रुप फीलिंग अमंग एम्प्लॉयज, इफ ऑल एम्प्लॉय विल वर्क टूगेदर देन अचीवमेंट ऑफ गोल बिकम इजी। तो ये थे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से याद रखना है, और जैसे जैसे मैंने मेन मेन पॉइंट आपको बताए हैं अभी,
वैसे वैसे आपको नोटबुक में नोट करने हैं। लास्ट टॉपिक आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो पीटर एफ ड्रकर को मैनेजमेंट में फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड को बहुत जगहों पे हटाया है और वहां पे मॉडर्न मेथड्स को यूज किए हैं, लेकिन जहां जहां मॉडर्न मेथड्स में कुछ लिमिटेशंस थी तो वहां वहां इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड की कुछ अच्छी चीजों को भी यूज किया है। ही फेवर्ड मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन प्रोसेस, ह्यूमन एसेट। इतने सबसे ज्यादा इसने किसको इंपॉर्टेंस दिया है, वर्कर्स को और एम्प्लॉयज को। पीटर ड्रकर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वॉज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट से रिलेटेड मैनेजमेंट। And principle of self-regulation are main. He says that there should be uniformity in aim of employees and managers of achieve of aim. Their contribution lies in human resource management, marketing management and stress management. Peter F. Drucker is called father of modern management. इसने क्या बताया है कि एक तो relationship worker और manager के बीच में अच्छा होना चाहिए। वो कैसे अच्छा होगा, जब वर्कर का भी सेम टारगेट हो, मैनेजर का भी सेम टारगेट हो और दोनों ग्रुप मिलके अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स पुट करेंगे। ऐसी जो थ्योरी इन्होंने दी है इसको बोला जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट। इसीलिए पीटर एफ ड्रकर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये चैप्टर अपना फिनिश होता है। ये सारे मेन पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं और जो बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको आगे चल के नोट्स जो है एक दिन आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप अपने फेयर नोटबुक में लिख लेना। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।